कि अगर आपको हमारे चैनल की खबरें देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे चैनल की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। आज हम बात करेंगे 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की, कि ये पहली बार अलग तरीके से क्यों मनाया जाएगा। इस बात से हम सब अवगत हैं कि हमारे देश में या यूं कहूं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, तो इस बीच लोगों के मन में यह प्रश्न उठना जाहिर सी बात है कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस अलग तरीके से क्यों मनाया जाएगा और किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को मनाने के लिए। तो चलिए आज मेरी एक रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हो रही है स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां। देश में 15 अगस्त पर देशवासी आजादी का जश्न मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा देश आजाद हुआ था। हर 15 अगस्त को देशवासी अपने उन योद्धाओं को दिल से याद करते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण को गवा दिया था। हर साल की तरह हम सब 15 अगस्त को इस दिवस के अवसर पर लाल किले पर सीधे जुड़ते हैं, जहाँ पर होने वाले अनेक कार्यक्रमों को देखते हैं। परेड से लेकर के सुरक्षा तथा सुरक्षा से लेकर के वहाँ बच्चों का जो उत्साह देखने को मिलता है, तो वहीं देशभक्ति के कार्यक्रम आदि सब देखने को मिलते हैं। मगर 74वां स्वतंत्रता दिवस इस बार कुछ अलग होगा। लोग दिल से तो उत्साहित होंगे इस जश्न को मनाने के लिए, मगर कोरोना वैश्विक महामारी के चलते इस बार तैयारियों में कई कार्यक्रम में कमी देखने को मिल रही सकती है। मोदी सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं और यह बताया है कि किन नियमों के आधार पर यह उत्सव मनाया जाएगा। सामाजिक दूरी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। हर साल हमें देखने को मिलता है कि 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के लगभग 1000 करीब विशेष अतिथि बुलाए जाते हैं, तो कोरोना काल के चलते इस दौरान इस संख्या को घटाकर 250 कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में दोपहर में होने वाला कार्यक्रम एट होम, उससे भी कोरोना के नियमों का ध्यान में रखा जाएगा। तो वहीं इसके अलावा जो थीम रखी गई है वो कोरोना योद्धाओं को समर्पित होगी। कोरोना से बचने के उपायों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। तैयारियों के चलते इस दौरान जगह जगह हैंड सैनिटाइजर रखे जाएंगे, तो वहाँ कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है। दूरी का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ कोरोना योद्धाओं को भी दिया जाएगा न्योता। वहाँ उपस्थित होने वाले सभी सुरक्षा कर्मी, सभी सेना के जवान पहले से ही क्वारंटाइन है, ऐसा बताया जा रहा है कि पीपीटी किट में नजर आएंगे पुलिस कर्मी। तो वहीं पे प्रौद्योगिकी का होगा ज्यादा इस्तेमाल। आमतौर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यालयों, स्कूलों आदि के समारोह का आयोजन होता है, मगर कोरोना काल की वजह से इस बार ऐसा नहीं होगा। सार्वजनिक आयोजनों की जगह प्रौद्योगिकी का ही इस्तेमाल होगा। इस तरह हम समझ सकते हैं कि सभी गाइडलाइनों का उससे समझना होगा कि 74वां स्वतंत्रता दिवस क्यों अलग है। भारत को आजादी मिले 74 वर्ष बीत चुके हैं, मगर आज भारत के सामने क्या बल्कि दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कोरोना से आजादी और मिले। और जिस तरह से भारत देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर के कार्य चल रहा है और यह ट्रायल हर पड़ाव को पार करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, तो वही भारतवासियों को ये विश्वास है कि हम 75वां स्वतंत्रता दिवस उसी हर्षोल्लास के साथ मना पाएंगे जैसे अब तक मनाते आए हैं, और भारत जल्द ही कोरोना मुक्त होगा। ऐसी तमाम बातें हमारे सामने आती है और ऐसे हमें समझना होगा कि इस साल 74वां स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए क्यों अलग है। लेकिन आज हमें देखने को मिलता है बच्चों के साथ जो हम लाल किले में प्रोग्राम करते थे वो इस बार नहीं हो पाएगा, तो कई कारणों से इन सब चीज़ों को रोका गया है। सूत्रों के अनुसार ये भी पता चल रहा है कि 15 अगस्त को देश के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन में आत्मनिर्भर भारत अभियान, कोरोना वैक्सीन, सीमा सुरक्षा और कोरोना की लड़ाई स्वदेशी अभियान के विषयों पर जिक्र हो सकता है। तो ऐसी तमाम बातों के साथ हम देशवासियों को ये समझना होगा कि इस साल हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख करके इस अवसर को, इस आयोजन को और देश में कि इस आज़ादी के पर्व को मनाना होगा। तो आज हम लोग शपथ लें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस अवसर को मनाएंगे।